हेलो माय लवली बेकर्स, आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले बेकरी स्टाइल क्रिसमस केक की डेकोरेशन का मेथड शेयर कर रही हूँ। स्नोफॉल होता हुआ जब ये क्रिसमस ट्री आप बनाएंगे, किसी के सामने भी प्रेजेंट करेंगे, तो सभी को बहुत ही प्यारा सा एक सरप्राइज मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैं हर केक को बहुत ही आसान तरीके से और इजी स्टेप्स में बताती हूँ ताकि मेरे सारे व्यूअर्स उसे बिना किसी दिक्कत के बना सके। तो बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो है, आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो आज के केक को बनाने के लिए मैंने 1/2 kg केक को अच्छे से बेक करके उसकी परफेक्ट तरीके से आइसिंग करके पहले से ही देखिए रखी हुई है। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले बनाएंगे क्रिसमस ट्री। तो उसके लिए मैं आइसक्रीम कोन यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोन को खोल करके उसकी सारी आइसक्रीम बाहर निकाल दी है और मेरे पास कुछ इस तरीके का ये कोन है और इसी की मदद से आज हम अपने केक के ऊपर क्रिसमस ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की क्रीम को देखिए रेडी करके रखा हुआ है और अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे और उसका एक छोटा सा छेद कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोन को आपको इस तरीके से पकड़ना है और नीचे की साइड से आपको इस तरीके से डॉट्स लगाते हुए पूरे ट्री को फिल कर देना है। जब आप डॉट्स लगाएंगे तो उसको लगा करके आप अपनी तरफ खींचिएगा ताकि एक पतली सी चोंच यानी कि नॉक उसमें बन जाएगी। और ऐसा करते करते हम पूरी इस कोन को इस डिज़ाइन से फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आइसक्रीम ऐसे वाली क्यों ली, मैं चाहती तो खाली वाली भी ले सकती थी, बट अभी सर्दी का मौसम है और मेरे घर के आसपास कहीं भी मुझे खाली सॉफ्टी का कोन नहीं मिला है। तो अगर आपको भी ये कोन ना मिले तो आप मेरी तरह कोई भी आइसक्रीम का कोन इस तरीके से चॉकलेट वाला या वनीला वाला ले करके उसकी आइसक्रीम को तो बच्चों को दे सकते हैं और फिर उसकी कोन को इस तरीके से क्रिसमस ट्री बनाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ दिया है और इसको केक पर सेट कर दिया है और जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से ये डिज़ाइन बना दूंगी। लास्ट में इस कोन को पकड़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसे डायरेक्ट केक पर रख दिया है और बाकी का डिज़ाइन मैं अब यहीं पूरा करूँगी। देखिए ट्री हमारा कितना सुंदर लग रहा है केक पर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ओपन स्टार टिप नोजल लिया है मीडियम साइज़ का और उसमें वाइट कलर की क्रीम को फिल किया है और इसके साइड में हम इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस नोजल पे फ्रेंड्स कोई नंबर नहीं है, जस्ट आप ओपन स्टार टिप बोलेंगे तो वो मार्केट में आपको मिल जाएगा और इस तरीके से बिल्कुल एक जैसे हम ये फ्लावर्स बना देंगे। फ्लावर्स बनाने के बाद फ्रेंड्स हम इसके ऊपर थोड़े से स्नो फ्लेक्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वाइट वनीला ग्लेज लिया है और उसको एक पाइपिंग बैग में भरा है और उसका एक छोटा सा छेद कट किया है और उसकी मदद से ही मैं साइड्स में यहाँ स्नो फ्लेक्स बना रही हूँ। वनीला जेल क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका डिटेल में वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने वही वाला वनीला ग्लेज यूज़ किया है और देखिए सारे केक के साइड्स में मैंने ये स्नो फ्लेक्स बना लिए हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रेड कलर की क्रीम भी तैयार की है और उसको भी मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर दिया है और यहाँ पर मैंने स्टार टिप नोजल लगाया है और नीचे की तरफ हम रेड कलर का बॉर्डर बना देंगे। तो देखिए हमारा केक जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो पूरा बॉर्डर बनाने के बाद फ्रेंड्स अब रह जाता है हमारे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना। तो मेरे पास यहाँ शुगर के कुछ स्प्रिंकल्स हैं, इन्हें मैंने घर में ही बनाया है और इसकी रेसिपी मैं डिटेल में अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और अब हम यहाँ नीचे बोर्ड पर बनाएंगे स्नोमैन। तो मैंने वाइट कलर की क्रीम से एकदम होल वाले नोजल से प्रेशर देते हुए ये बॉल सा बनाया है और इसके ऊपर हम स्नोमैन का गले का मफलर बनाएंगे पहले और फिर से यहीं पर क्रीम को प्रेशर के साथ छोड़ेंगे ताकि उसका फेस बन जाए। अब फेस के ऊपर उसकी एक कैप बनाएंगे हम इस तरीके से और इसके अब हम आइज और माउथ बनाएंगे। उसके लिए मैंने न्यूट्रल जेल में ब्राउन कलर मिक्स करके रखा हुआ है और उसी से मैं इसका माउथ बना रही हूँ और इसी के साथ बीच में एक ऑरेंज कलर की इसकी नोज बना देंगे। और उसे और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए मैं क्रिसमस ट्री के आसपास थोड़े से सिल्वर बॉल्स स्प्रिंकल कर दूंगी और आप चाहें तो इस पर मैरी क्रिसमस का कोई भी टॉपर लगा सकते हैं ताकि ये केक जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। मेरे पास ये टॉपर है और मैंने इसे देखिए साइड में इस तरीके से इंसर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब बाकी रह गया है इसके ऊपर स्नो इफेक्ट देना। उसके लिए मैं यहाँ पर चाय छानने वाली छन्नी यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर हम डालेंगे आइसिंग शुगर और जस्ट इसके ऊपर रख करके हम थोड़ा सा इसे शेक करेंगे और ये देखिए हमारे केक के ऊपर स्नोफॉल हो रहा है और धीरे धीरे देखिए आइसिंग शुगर हमारे ट्री पर गिर रही है, केक पर गिर रही है और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। तो फाइनली देखिए स्नोफॉल होता हुआ हमारा केक जो है क्रिसमस वाला वो रेडी है। आप इसे पार्टीज़ में बनाइए, अभी क्रिसमस पर बहुत सारी होने वाली हैं
और वहाँ पर इस तरीके से जब आप आइसिंग शुगर को स्प्रिंकल करेंगे तो सभी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये केक ही होगा। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स, आज की केक डेकोरेशन अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साइड में दिया गया बेल आइकन दबाइएगा ताकि तुरंत आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई सी इंटरेस्टिंग रेसिपी या फिर केक डेकोरेशन के आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।